शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ, मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी बारिश की बूंदें। आज मेरा मन खेत में उगे उन छोटे छोटे से मक्का के पौधों के जैसा हो गया है, जो बस अभी अभी जमीन से बाहर निकले ही दिखाई दे रहे हैं, जो टकटकी लगाए आसमान की ओर देखते हैं कि कब बारिश की बूंदें उन पर गिरे और वो बस झूम कर खेल उठे। आज मैं भी मेरे जीवन में उन बारिश की बूंदों का इंतज़ार ही तो कर रही हूँ। आखिर कब से उन बूंदों के लिए मेरे मन में प्यास उमड़ रही है। मैं कौन हूँ, इस तलाश में यहाँ तक आ गई, लेकिन बरसों पहले की उस वर्षा का मन तो आज भी वहीं कहीं अपनों के बीच में ही अटक कर रह गया है। दीदी दीदी, ऐसे बादलों को देखने से कोई फायदा नहीं, बारिश तो आज भी नहीं आने वाली है। हाँ कुसुम, लग तो ऐसा ही रहा है, अगस्त भी शायद ऐसे ही निकल जाएगा। इस महीने से हम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं लगा लेते हैं। सही तो है दीदी, लेकिन अगस्त है कुछ ऐसा ही महीना। सही तो है दीदी, लेकिन अगस्त है ही कुछ ऐसा, और बारिश इस महीने की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। शायद। अच्छा सुन, तू कल जा रही है ना घर, अपने गांव? हाँ, इस बार आप भी चलो ना। नहीं कुसुम, अभी मन नहीं है, फिर कभी बाद में। कब से टाल रही हो दीदी, कब तक उन सब से ये दूरी बना कर रखोगी? आखिर वो भी आपके अपने ही है ना, और यहाँ उनके बगैर तिल तिल कर मरना। आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी हो जाती हो। बादल का आपको शादी के मंडप में अकेले छोड़ देने में आपकी क्या गलती है? वो आपकी पसंद था तो आप भी तो उसे और उसके परिवार वालों को पसंद थी ना। अगस्त की वो तूफानी रात आज भी याद है दीदी मुझे, जिस रात आपने अपना कदम उस दहलीज के बाहर निकाला था। हाँ मैं मानती हूँ, मुझे पता है दादू नाराज थे आपसे, लेकिन उनकी नाराजगी आप पर नहीं थी, उस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। जब छोटे इतने बड़े हो जाए कि अपने से बड़ों को समझाने लगे तो शायद समझने में ही भलाई है। दीदी, मेरे कहने का वो मतलब भी नहीं है, मैं बस आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। चल आज तेरे साथ गांव चलती हूँ। जैसे ही वर्षा ने गांव जाने की बात कही, आसमान से बड़ी बड़ी पानी की बूंदें जमीन पर गिरने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर कुसुम बोली, देखो ना दीदी, देखो ना, ये बूंदें भी आपके इस फैसले का साथ दे रही हैं, है ना? अब तो मुस्कुरा दो। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।